झारखंड मुक्ति मोर्चा के झुमरी तिलैया नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेसवे को ठहराव की मांग की। साथ ही दीपक विश्वकर्मा ने कहा कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस जो बंद कर दिया गया है उसका कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। झामुमो नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से आम जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही झामुमो नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने कहा कि गजंडी में वर्षों से जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेसवे और पटना रांची एक्सप्रेस का ठहराव था जो कि बंद कर दिया गया है। इन दोनों ट्रेनों का ठहराव फिर से कर दिया जाए। झामुमो नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने जल्द ही इन सभी समस्याओं का निदान करने की मांग की है। क्या मांगे थी आप लोग का? हमारी मांग ये थी कि आज हमको पता चला था कि आपका जो है सो महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हमारे जो है सो कोडरमा रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, और चूंकि लगातार यात्रियों से हमारे परेशानी रहता था कि मतलब समझिए कि आपका जो है सो बहुत सा ट्रेनें जो है सो जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पे बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं गजंडी में माँ वैष्णो देवी यात्रा को लेकर के बहुत से श्रद्धालु जाते हैं, और वहाँ पे जो है सो जम्मू तवी एक्सप्रेस को बंद कर देना और मतलब समझिए कि पटना रांची एक्सप्रेस को गजंडे में बंद कर देना, ये लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। इसके चलते आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षता निर्मला तिवारी अफ्ताब आलम और पूनम जी के नेतृत्व में आपका नाम ये हम लोग ने दिए हैं स्टेशन मास्टर मनोहर राय जी को, ताकि आपका जो है सो महाप्रबंधक तक हमारी जो है सो मांगे जाएं और इस मांग को पूरा हो ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। मैं एक अपील और करना चाहता हूं कि जो भी यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको टिकट लेकर चलना है ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जोहार। संवाददाता रवि छाबड़ा, झुमरी तिलैया।